हाय डियर्स, आज मैं जिस सर्किट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हुए हैं वो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, जिसमें R1 है 1 किलो ओम, R2 है 10 किलो ओम, R3 है 1 किलो ओम, R4 है 10 किलो ओम, और 2 कैपेसिटर यूज़ हुए हैं, 2 ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हैं और 2 LEDs यूज़ हुई हैं। नीचे इसका सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है और मैं सर्किट आपको दिखाने जा रहा हूँ ब्रेडबोर्ड पे। दिस इज़ अ सर्किट ऑफ ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। तो इसमें रेजिस्टर्स यूज हुए हैं 1 किलो ओम। जो सर्किट यहाँ पे नीचे डायग्राम में दिया हुआ है इसी सर्किट से ये बनाया हुआ है। इसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी आप चेंज करना चाहते हैं तो ये कैपेसिटर और इनकी रेजिस्टर्स की वैल्यू चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू चेंज करते हुए अगर आप पोटेंशियोमीटर यूज़ करें तो भी ये रेजिस्टर जो हैं जिसके ज़रिए ये कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं, तो इनकी वैल्यू आप चेंज करके ये चेंज कर सकते हैं, इस वो मल्टी वाइब्रेटर को चेंज कर सकते हैं आप। तो डियर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा अगर आप नए हो। थैंक यू।